फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइस एडुके प्राइवेट लिमिटेड। या योर एडमिशन काउंसलर रियांका पाल वंस अगेन विद अ वेरी न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो 12th पासिंग मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखिए। जो बच्चा अभी तक सोच रहे थे कि मेडिकल में कैसे करियर बना जाए, मेडिकल में करियर बनाने के बाद क्या ऑप्शंस उनको मिलने वाला है या फिर क्या सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है, ये सब चीज़ जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखते रहिए एंड तक। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलते आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का टॉपिक है MBBS स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग अभी नीट देने वाला है या फिर नीट दे के मेडिकल ऑलरेडी मेडिकल में अपीयर कर रहे हैं, MBBS ख़त्म कर चुका है या फिर स्पेशलाइज कोर्स कुछ कर रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेडिकल में उसको करियर बनाना है तो फर्स्ट उसको देखना है कि ऑब्वियसली करियर हम बनाते हैं किस लिए करियर हम बनाते हैं, जिसमें हमको अच्छा इनकम मिले, हमारा एक आइडेंटिटी हो ही हो, साथ में हमारा इनकम सोर्स भी अच्छा रहे। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में MBBS डॉक्टर्स के या फिर जनरल फिजिशियंस हो, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हो, इन सब फील्ड्स में बहुत ही अच्छा कैरियर बिल्डअप होता है। इन सब फील्ड्स में जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो इनकम है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो स्टूडेंट्स अभी तक सोच रहे थे कि मेडिकल फील्ड में कैसे आगे बढ़े या फिर मेडिकल फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, यहाँ पे आज मैं दो सेक्शन में बात करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करके इंडिया में ही जिनको चांस मिला है MBBS ख़त्म करने की, या फिर इंडिया से ही जो परस्यू कर रहे हैं MBBS, एंड अदर्स इज US से, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा या फिर ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अब्रॉड कंट्रीज से कोई अगर MBBS ख़त्म करता है तो उनका क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करके देखते रहिए पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। जैसे कि अब सभी लोगों को पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ये दोनों कॉलेजेस बहुत पॉपुलर है अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। जिनको नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में चांसेस नहीं मिलता है, उनके लिए प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑप्शंस रहता है। दोनों डिग्री में डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सैलरी स्ट्रक्चर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ख़त्म करने के बाद जो करियर बनता है उसमें। तो इन सब टॉपिक में ही मैं आज बोलने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया का जो टॉप एम्प्लॉयर्स है मेडिकल फील्ड में वो है AIIMS। एम्स में अगर देखा जाए तो अगर कोई एम्स में कोई डॉक्टर बनता है तो उसको गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट उसमें रहता है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट उनमें रहता है एक स्टूडेंट पे 1.5 करोड़। तो आपको पता ही चल रहा है कि इसके सुन के कि करियर अगर MBBS में बनाया जा रहा है फ्रॉम एम्स तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो आइए मैं बता देती हूँ क्या क्या सैलरी, क्या क्या पोस्ट में यहाँ पे मिलते हैं। नंबर वन, जूनियर रेसिडेंट जो होता है एम्स का, उनका एनुअल सैलरी होता है ऑलमोस्ट 8 लाख। जी हाँ दोस्तों, जिन एनुअल सैलरी होता है उनका 8 लाख एज पर करेंट कैलकुलेशन। नेक्स्ट है सीनियर रेसिडेंट, अगर कोई सीनियर रेसिडेंट होता है एम्स का तो उसका सैलरी होता है ऑलमोस्ट 9 लाख। अगर कोई सीनियर रेसिडेंट होता है तो उसका सैलरी मिलता है उनको ऑलमोस्ट एनुअली जो पैकेज आता है वो है 9 लाख। जो कंसल्टेंट्स होता है, जो मेडिकल कंसल्टेंट्स होता है, उनका सैलरी एनुअली होता है 18 लाख, ऑलमोस्ट 18 लाख होता है उनका सैलरी। जो प्रोफेसर रहता है एम्स के, उनका सैलरी ऑलमोस्ट होता है 24 लाख, उनका सैलरी ऑलमोस्ट होता है 24 लाख। एडिशनल प्रोफेसर जो रहता है एम्स का, उनका एनुअल सैलरी होता है ऑलमोस्ट 20 लाख। एडिशनल प्रोफेसर जो रहता है उनका सैलरी ऑलमोस्ट होता है 20 लाख पर एनम। एसोसिएट प्रोफेसर जो रहता है एम्स का, उनका सैलरी होता है ऑलमोस्ट 19 लाख। असिस्टेंट प्रोफेसर जो रहता है उनका एनुअल सैलरी होता है ऑलमोस्ट 14 लाख। असिस्टेंट प्रोफेसर जो रहता है एम्स का, उनका सैलरी होता है ऑलमोस्ट 14 लाख। जी हाँ दोस्तों, ये था एम्स का जो मेडिकल फील्ड, एम्स में जो जो रिक्रूटमेंट होता है उनके बेसिस पे जो पोस्ट पे अच्छे सैलरीज मिलते हैं ये सब मैं बता दिया। नेक्स्ट है जिपमर। जी हाँ दोस्तों, जिपमर भी एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है मेडिकल के लिए। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स यानी कि MD MS जो करके आता है उनका ऑलमोस्ट सैलरीज जो होता है स्टार्टिंग होता है, ये डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स से लेकर एक्सपीरियंस तक, ये डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, पर मंथ 40,000 to 1 lakh तक सैलरी होता है, पर मंथ 40,000 to 1 lakh तक होता है। मैं आपके जानकारी के लिए बता देती हूँ, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा ऊपर नीचे अपग्रेडेशन होता है
ईयरली ये चेंजेस होते रहते हैं, तो ये मैं जो बता रही हूँ करंट स्ट्रक्चर है। लास्ट जो है एक और सेक्टर है मेडिकल के एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है AFMC, ये है आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेजेस जो रहता है। वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है सैलरी का वो है 58K से 2 लाख, 58 यानी कि ऑलमोस्ट 60,000 स्टार्टिंग होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख तक होता है, डिपेंड ऑन टाइम एंड वहाँ पे डिजिग्नेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ता है, तो उसके हिसाब से ये सैलरी स्टार्टिंग होता है 60,000 से लेकर 2 लाख तक। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया अकॉर्डिंग टू करंट पे स्केल जो चल रहा है, अकॉर्डिंग टू करंट पे स्केल उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो एक मेडिकल फील्ड में एक एस्टैब्लिश कैरियर अगर कोई बना लेता है तो उनका ईयरली इनकम अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से 20 लाख होता है, उनका ईयरली इनकम अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से 20 लाख तक होता है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज, अगर मान लीजिए किसी को कट ऑफ की वजह से हो या फिर कम मार्क्स की वजह से हो जस्ट नीट क्वालिफाई किए हैं, किसी किसी का ये रहता है कि हम अब्रॉड में ही एडमिशन लेंगे या फिर अब्रॉड में ही सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए हम मैं बता दूं यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज के बात मैं करने जा रहा हूँ। नंबर 1 इज USA, नंबर 2 इज कनाडा एंड नंबर 3 इज ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों कंट्रीज में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, कैसे सैलरीज मिलता है मेडिकल फील्ड में, ये सब मैं बताने जा रही हूँ इस पार्ट में। जैसे कि आप सभी को पता है ये सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं एंड यहाँ पे मेडिकल फील्ड नॉट ओनली अ रिस्पेक्टेड जॉब बट ऑल्सो अ हाई इनकम अपॉर्चुनिटी यू हैव। सो अगर कोई चाहते हैं कि USA, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल होके वहाँ पे ही डॉक्टरी करने के लिए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। USA में अगर कोई स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं तो उनका एनुअल सैलरी जो है वो होता है ऑलमोस्ट 3,70,000 $. USA में जो होता है वो है 3,70,000 $, जो कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ इंडियन करेंसी में तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का होता है। तो ये है वहाँ का कैलकुलेशन के बेस पे मैं बता रही हूँ। अगर कोई USA में सेटल होना चाहता है मेडिकल में तो जेन स्पेशलाइज्ड फील्ड में अगर कोई डॉक्टर्स है स्पेशलिस्ट को मिलता है ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में 2.5 करोड़ एनुअली। जो भी जनरल प्रैक्टिशनर्स रहता है USA का उनका एनुअल इनकम होता है ऑलमोस्ट 2,30,000 $, ऑलमोस्ट 2,30,000 $, जो इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 1.6 ईयर होता है, जो इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 1.6 ईयर होते हैं। तो ये कैलकुलेशन मैं बता रही हूँ इंडियन करेंसी में एंड ऑल्सो US के जो डॉलर रेट है उनके हिसाब से, तो ये थोड़ा चेंज हो सकता है वक्त के साथ साथ। तो नेक्स्ट कंट्री इज कैनेडा, जहाँ पे अगर कोई MBBS ख़त्म करने के बाद वहाँ पे प्रैक्टिस करके वहाँ पे MBBS का कैरियर बनना चाहता है या फिर डॉक्टरी करना चाहता है, तो उनके लिए मैं बता दूँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कैनेडा का होता है, जी हाँ दोस्तों जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कैनेडा का होता है उनका एनुअल इनकम होता है ऑलमोस्ट 3,35,000 $, 3,35,000 $। तो आज के हिसाब से वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.30 सीयर, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.30 सीयर एनुअली। तो ये है एक ह्यूज इनकम जो आप कैनेडा से अगर कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है उनका। नेक्स्ट जो जनरल फिजिशियन फ्रॉम कैनेडा होता है, जो जनरल फिजिशियन कैनेडा में सेटल होना चाहता है, जनरल फिजिशियन कैनेडा के होने चाहता है, तो उनका सैलरी जो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 कैड होता है, 2,70,000 कैनेडियन डॉलर, जिसका अप्रॉक्सीमेट 1.80 सीयर होता है इंडियन करेंसी में एनुअल पैकेज। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये ह्यूज इनकम आता है कैनेडा में अगर कोई सेटल होना चाहता है, कैनेडा में डॉक्टरी करना चाहता है तो। नेक्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑल्सो अ हॉट कंट्री फॉर हॉट डेस्टिनेशन फॉर MBBS स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर कोई MBBS ख़त्म करके यहाँ पे स्पेशलाइज करना चाहते या फिर यहाँ का जो जनरल फिजिशियन है इन दोनों का एनुअल इनकम क्या है ये मैं बताती हूँ। जनरल फिजिशियन जो है यहाँ का, इनका एनुअल इनकम होता है अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ईयरली, जो इंडियन करेंसी में होता है अप्रॉक्सीमेटली 95 to 98 लाख। एंड जो स्पेशलाइज्ड फील्ड में यहाँ पे स्पेशलाइज्ड करते हैं कोई भी डॉक्टर, अगर कोई स्पेशलाइज्ड होते हैं तो उनका सैलरी जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.60 ऑस्ट्रेलियन, 2,60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो इंडियन करेंसी में होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.8 सीयर पर एनम, 1.8 सीयर पर एनम।
जी हाँ दोस्तों, ये कैलकुलेशन मैं बता रही हूँ आज के कैलकुलेशन के हिसाब से, आज के अपडेट के हिसाब से, ये टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स एंड योर फ्रेंड्स जो ये देख रहे हैं वीडियोज, ये अभी सोच रहे हैं कि MBBS को ख़त्म करने के बाद ये सारे गाइडेंस आपको कहाँ से मिल सकता है, या फिर कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेके प्रॉपरली एडमिशन करवाया जा सकता है। तो ये सब के लिए पाइस एडुकेट इज ऑलवेज देयर फॉर यू, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर एम। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, या फिर और भी कुछ जानना है, क्योंकि वीडियोस में ऑल डिटेल्स अभी अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो और भी डिटेल्स जानने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर 9614910910 में। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.paiseducate.com। और अगर कोई हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ये एड्रेस डिटेल्स आपको गूगल में मिल जाएगा। जनरली हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ये कोलकाता के पार्क सर्कस एरिया में है। ये डिटेल्स, ऑफिस का एड्रेस एंड सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। थैंक यू।